अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सुपर मॉम्स होम स्कूलिंग चैनल। तो आज हम करने लगे हैं उर्दू फोनिक्स कोर्स की 5वीं क्लास, जो कि मोस्ट अवेटेड क्लास हम कह सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हमने करना है मुसव्वतें, मुसम्मतें, मुसव्वतों के इकसाम, जिसे हम शॉर्ट मुसव्वतें क्या है, वोवल्स है सिंपल, ठीक है। और हमने आज क्लास में क्या पढ़ना था, हमने शॉर्ट वोवल साउंड पढ़ने थे और लॉन्ग वोवल साउंड उर्दू फोनिक्स में पढ़ने थे। हैरानी की बात है, अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं, हम इंग्लिश में शॉर्ट वोवल्स और लॉन्ग वोवल्स पढ़ते आए हैं। ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है शॉर्ट वोवल्स हो गया, और जो लॉन्ग वोवल्स हैं वो वोवल स्ट्रीम्स होती हैं, डायग्राफ्स होते हैं वोवल्स डायग्राफ्स। लेकिन आज हम क्या करने लगे हैं, आज हम उर्दू में लॉन्ग वोवल्स और शॉर्ट वोवल्स पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में लिख के आप कर सकते हैं, प्लस अपने कॉम्प्लीमेंट्स क्लास में दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। उससे फायदा ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है, और इस तरह से वीडियोस, इस तरह के कोर्सेज काउंट करने की, जो पेड कोर्सेज हैं, जो आपको यूट्यूब या पूरे इंटरनेट पे फ्री में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपसे क्या चाहिए, आपसे मोटिवेशन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसे सबके जरिए समझ के शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अवेल कर सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुसव्वत क्या होती है। मुसव्वत होती है वोवल्स। उर्दू में कौन कौन से वोवल्स होते हैं, हम पहले ही कर चुके हैं, अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये, आ, ओ, ई, ए। क्या साउंड है इनके, अ, ओ, ई, ए, ठीक है, वोवल्स होते हैं। और अब मुसम्मत क्या होती है, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। मुसम्मत क्या होती है, अच्छा वोवल सिंपली इन साउंड्स को कहते हैं, अ ओ ई पे मुसम्मत, अलिफ वाउ छोटी है बड़ी है। लेकिन मुसम्मत क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, कौन से कॉन्सोनेंट्स, मतलब इन चार हरूफ तहजी के अलावा जितने भी हरूफ हैं वो क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। किस तरह से, अच्छा अभी हम अगर बात करें ना, अलिफ वाउ छोटी है बड़ी है, आपको पता है कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, मतलब मुसम्मत भी होते हैं और मुसव्वत भी होते हैं, है ना। हैरानी की बात, मैं आपको बताती हूँ, जितने भी हरूफ तहजी हैं वो सब क्या है, मुसम्मत है। अब इनमें मुसव्वत कौन से हैं, वोवल्स कौन से हैं, जब ये वाले ही चार हरूफ दरमियान में या लास्ट में आएंगे तो वो मुसव्वत बन जाएंगे। होपफुली डिफरेंस समझ आ गया, मैं अगेन रिपीट कर लेती हूँ, हमारे जितने भी हरूफ तहजी हैं वो हमारे मुसम्मत हैं, मतलब कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन अगर इन अलिफ और छोटी बड़ी को मिलाकर सब ही हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन अगर यही चार हरूफ अलिफ वाव छोटी बड़ी किसी हरूफ के दरमियान में या लास्ट में आ जाए तो वो क्या बन जाती है, मुसव्वत बन जाती है, मतलब कि वोवल्स बन सकते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया तो कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि मुसव्वत और मुसम्मत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम मुसव्वत वोवल्स की टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कसीर मुसव्वत एक टाइप है, जिसे हम शॉर्ट वॉवल्स कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कसीर और तवील याद करना काफी टिपिकल उर्दू हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, याद कर सकते हैं तो वेरी गुड। अच्छा, कसीर मुसव्वत है और तवील मुसव्वत है, शॉर्ट वॉवल्स लॉन्ग वॉवल्स, ठीक है। अब ये होते क्या है, चले जी, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि शॉर्ट वॉवल्स हमारे क्या थे, शॉर्ट वॉवल्स हमारे थे, एक सेकेंड, शॉर्ट वॉवल्स हमारे होते हैं जबर, जेर, पेश, और लॉन्ग वोवल क्या होते हैं, आ, आ, ओ, ई, ए, अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी, ठीक है। तवील मुसव्वत मतलब लॉन्ग वोवल्स पे मैंने एक ब्रीफ वीडियो पहले ही बना दी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं देखा तो जाकर देखें, देख लिया तो वेल एंड गुड है, ठीक है। बात करते हैं हम कसीर मुसव्वत, ठीक है। आपको यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट बता दूँ ना, जब आपने हरूफ तहजी करवा दी है, आदि अशकाल करवा दी, दो हरूफी, तीन हरूफी, चार हरूफी अल्फाज सबसे पहले आपने करवाने हैं तवील मुसव्वत मतलब कि लॉन्ग वोवल्स के साथ। रीजन उसका क्या है, क्या है कि हमने पहले लॉन्ग वोवल्स करवाने, शॉर्ट वोवल्स पहले नहीं करवाने, जबकि इंग्लिश में हम देखें तो हम पहले शॉर्ट वोवल्स करवाते हैं फिर लॉन्ग वोवल्स। रीजन उसका ये है कि लॉन्ग वोवल्स के साउंड्स को बच्चों को डिटेक्ट करने में आसानी रहती है, ठीक है, जबकि शॉर्ट वोवल्स को थोड़ा सा टाइम लगता है डिफ्रेंशिएट करना, डिटेक्ट करना, इसीलिए हम लॉन्ग वोवल्स पहले करवाएंगे, मतलब दो हरफी अल्फाज अलिफ के साथ, वाव के साथ, छोटी ये बड़ी के साथ, तीन हरफी, चार हरफी पहले करवा लेंगे, क्योंकि उससे ना उनको साउंड डिटेक्ट करने का, अ ओ ई ए का थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर अ का साउंड आ रहा है, यहाँ पर ओ का साउंड आ रहा है, यहाँ पर ई का आ रहा है, यहाँ पर ए का आ रहा है,
उसके बाद आप कसीर मुसव्वत करवा दें, या तो इस तरह से कर सकते हैं कि लॉन्ग वोवल्स करवाए, मतलब दो हरफे तीन हरफे चार हरफे अल्फाज करवा दिए, फिर उसके बाद हमने शॉर्ट वोवल्स करवा लिए, मतलब कसीर मुसव्वत करवा दी, और फिर हमने भारी अल्फाज करवा दिया। या एक सीक्वेंस ये भी हो सकता है कि आपने ये अलिफ और छोटी बड़ी के साथ दो तीन हरफे चार हरफे करवा लिए, उसके बाद आपने भारी अल्फाज करवा लिए, और उसके बाद आपने शॉर्ट वोवल्स करवा लिए, मतलब जबर जेर पेश वाले करवा लिए। ठीक है, तो ये टोटली आप पर है कि आपने करवाना है कौन सा पहले और कौन सा बाद में। ठीक है, अब आगे हम आते हैं करवाना कैसे। कसीर मुसव्वत जो है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम पहले थोड़ा सा मैं आपको तवील मुसव्वत का बता दूँ। तवील मुसव्वत अलिफ और छोटी है बड़ी है, आ ओ ई ए बहुत ज्यादा ब्रीफली बता चुकी हूँ, आई डोंट थिंक सो क्या अगेन रिपीट करने की जरूरत है, टाइम को सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं कसीर मुसव्वत पे, मतलब के शॉर्ट वॉवल पे। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे टाइप करते हुए प्रॉब्लम हुई थी, ये देखें, जबर जे पेश। ठीक है, अब इसको आपने करवाना कैसे है, पहली तो बात है पढ़ाना कैसे है, दूसरी बात है लिखवाना कैसे है, और कैसे हमने डिफ्रेंशिएट करवाना है लॉन्ग वोवल साउंड और शॉर्ट वोवल साउंड में जब वो इमला दे रहे हो। ठीक है, अब इस वीडियो को अगर अभी तक आपको समझ नहीं आ रही तो देखते रहें, एंड तक लाजमी आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, तो एंड तक लाजमी देखें, और ऑनेस्टली बच्चों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप यहाँ ये लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, कसीर मुसव्वत में जबर के वाले अल्फाज हम पहले पढ़ते हैं, कैसे है ये अब देखें। अगर बच्चे इसको अब क्या पढ़ सकते हैं, अगर हम रीडिंग करवा रहे हैं, हम बोलेंगे बच्चों ने पढ़ा हुआ उ बु, ठीक है, लाम का साउंड उ पढ़ा है, बे का साउंड बु पढ़ा है, बु, अब वो तो ब्लेंड ही नहीं कर पाएंगे, तो हमने लाम के ऊपर डाल दिया जबर। अब हम बोलेंगे करें अब ल, लाम जबर दा बता होता है, अब तक जो बच्चे आ चुके होते हैं उन्होंने कायदे इतना पढ़ लिया होता है कि कायदे में भी वो जेर जबर पेश पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, लाम जबर ल पता है उन्हें, ऊपर को साउंड जाएगा। ठीक है, ल ब लब, अब ज्यादा इजी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूँ, लॉन्ग वोवल बच्चे कर चुके हैं, मैंने बताया था आपको कि पहले वो करवा देने। अब आपने क्या, जो कह रहे हैं देखिए, यहाँ पर जो ल का साउंड आ रहा है शॉर्ट आ रहा है, तो हमने जबर डाल देना है, हमने अलिफ नहीं लिखना। बच्चे क्या करेंगे, अक्सर आप जब लव बोलेंगे ना तो वो ला बू लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर यही इनको डिफ्रेंशिएट करवा देना है, ये क्या है लाभ, ये क्या है लव। प्रैक्टिस कैसे करवानी है ये मैं आखिर में आपको बताऊंगी, किस तरह से किन मेथड्स को फॉलो करते हुए आपने लॉन्ग और शॉर्ट की प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, अभी इसी पे रहते हैं। अब ये देखें ल लब, डिफरेंस डिफरेंस बता दिया आपने बच्चों को, लब है और ये लाभ है, लॉन्ग साउंड आ रहा है लाभ, कुछ एक्स्ट्रा ही लॉन्ग कर लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, लब लाभ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्ड की लॉजिक नहीं भी बनती ना तो भी ऐसा नहीं है कि लॉजिक नहीं बनती तो ना करवाए, करवा लें, हमारा मेन पर्पज है उनको साउंड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने का। ठीक है, आगे हम आते हैं ब, बाजबर ब टू बट। ठीक है, अच्छा अब बच्चों को आप बताएंगे तो वो मिस्टेक नहीं करेंगे, वरना वो बात को ऐसे देख लेंगे, बट को ऐसे देख लेंगे जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, बट और बात का डिफरेंस उनको क्या पता चलेगा, ये क्या है बट, साथ साथ ना कंपेयर करवाते रहे, ये बट है और ये बात है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये देखें, अब क्या है मत मत, अब बच्चों ने साउंड क्या पढ़ा हुआ है, मीम का अम पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब वो आप जब उनको मत लिखने का बोलेंगे ना, वो लिखेंगे म मत, म अ त मत, गलत हो जाएगा। हमें डिफरेंस यही बताना है कि देखिए ये मात और ये मत, लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड, शॉर्ट अ का साउंड आ रहा है तो हमने जबर डाल देने ऊपर। ठीक है, एक जबर डाल देंगे, दैट्स इट। चलें आगे आते हैं हम, नत नात, अगर हम आदिम के साथ बताएंगे, ये देखिए नत, ये जबर वाला नत, न त नत नात, अब यहाँ पर डिफरेंस है ना, नात नत, आगे बढ़ते हैं हम, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखें झ ट, अच्छा अब ये देखें जीम दो चश्मी है, झ का साउंड बनाते हैं। ठीक है, ट झट, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, ऊपर जबर है, झट झट, अब बच्चे क्या करेंगे, झाट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, वो जब देखेंगे जीम दो चश्मी है झ, लेकिन यहाँ पर झट झ, वो इस तरह से कर देंगे, तो
डिफरेंस मेन पर्पज से कंपेयर कर करके करवाएं, कंपैरिजन करवाएं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, उनको लॉजिक्स दें ताकि वो प्रॉब्लम ना करें कहीं पे भी लिखने में, ठीक है। झट, इसी तरह से ऊपर जबर आ जाएगा खट, इसी तरह से मीम के ऊपर जबर आ गया मन। अब देखिए यहाँ पर अगेन वही बात आ गई, बच्चों ने मीम का साउंड म पढ़ा हुआ, जैसे एन का साउंड म होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जब आप उनको मन बोलेंगे तो वो अब इस तरह से म अ म अ लिख लेंगे मन, ठीक है। यहाँ पर हमने डिफरेंस बता दिया, ये मान है, लॉन्ग अ का साउंड आ रहा है, यहाँ पर शॉर्ट अ का साउंड आ रहा है, मतलब जबर आ गया ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर हम इस उर्दू फोनेट्स को फॉलो करते हुए बच्चों को उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाएंगे, क्या कभी गलती हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। और ऑनेस्टली ये स्कूल्स में फॉलो किया जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा जो हाई लेवल्स के स्कूल्स हैं, जो ज्यादा फीसेस लेते हैं, वो इस तरह के कोर्सेज करवा रहे हैं। बाकी जो नॉर्मल ही, देखिए ये पूरा एक सिस्टम होता है ना, अब जो नॉर्मल स्कूल्स हैं ऑब्वियसली वो फीस जब नॉर्मल ले रहे हैं तो वो टीचर्स को भी कम ही पे कर रहे हैं, और जो कम टीचर्स को पे कर रहे हैं वो फिर ऑब्वियसली बात है, जो टीचर्स हायर कर रहे होंगे जो हाई क्वालिफाइड होती हैं वो तो कम पे में नहीं जाती ना, जो नॉर्मल होती हैं जिन्होंने हार्डली इंटर किया हुआ होता है या बीए वगैरह किया हुआ होता है, इतनी खास उन्होंने कोई नोटिस फी वगैरह नहीं किए हुए होते, तो वो तो फिर वो तो अच्छे स्कूल्स में जाएंगी, और वहां पर तो जाहिर सी बात है वो ही पढ़ाएंगी ना जो इतना को। अब मुझे बताएं जो वेल क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने इन सब कोर्सेज किए हुए हैं, नोटिस फी का किया हुआ है, फोनिक्स वगैरह किया हुआ है, वो फिर अच्छे स्कूल्स में जाएंगे वहां पर। अब जो हमारे पास इंटर पास आती है छोटे जो छोटे स्कूल्स में, और हम अगर अफोर्ड नहीं कर सकते ऑब्वियसली हम अपने बच्चे को छोटे स्कूल्स में भेजेंगे, तो वो तो फिर वही रट्टाफिकेशन और जोर जबरदस्ती की पढ़ाई सीखेंगे। तो बेहतर है कि साउंड के साथ पढ़ के करवाएं बच्चों को, ताकि कोर्स फ्री रखने का मेन पर्पज ये था। प्री कोर्स है, अगर आप अगर मेरा कोर्स कोई ऐसी टीचर भी देख रही हैं जो मतलब छोटे स्कूल्स में पढ़ाती हैं, मतलब इतनी वो ब्रांडेड स्कूल्स जो होते हैं जैसे बिकन हाउस हो गया, एलजीएस वगैरह हो गया, वहाँ पर एजुकेटर हो गया, वहाँ नहीं पढ़ा रही, छोटे स्कूल्स में पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पर भी प्लीज ये वाला उर्दू फोनिक्स कोर्स इंट्रोड्यूस करवाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट ले सकें, ठीक है। अब ये क्या है, नस, न जबर आ गया, नस, नस तरह से बस, बस सर, सर। अच्छा यहाँ पर सीन के ऊपर जबर है ना, तो वो सर को साउंड देगा, ठीक है। अब क्या हो गया, बच्चों ने सीन का साउंड पढ़ा हुआ है, तो जब आप सर बोलेंगे तो वो ऐसे कर देंगे, अगेन मिस्टेक कर देंगे, तो ये मिस्टेक से रोकने के लिए हमने लॉन्ग और शॉर्ट वोवल कॉन्सेप्ट बच्चों में लाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, न उ नल जबर आया हुआ ऊपर, ठीक है। प टू फट जबर आया हुआ है, क उ कल जबर आया हुआ है, दस दस जबर आया हुआ है, फ फर। अच्छा ये पूरा वर्ड बैंक के जो मैंने बहुत मेहनत से ऑनेस्टली जमा किया है, तो बेहतर है कि आप इसको अवेल करें। ऑनेस्टली कितनी बुक्स मैंने छान छानती हैं, समझे कितनी बुक्स को गो थ्रू किया है, कितना ज्यादा रिसर्च आउट किया है, ऑब्वियसली जो कोर्सेस मैंने किए थे उसको भी निचोड़ सारा हर चीज का। तो ये पूरा वर्ड बैंक है आपको ऑनेस्टली, ये कोर्स अगर आप सीरियस होकर लेंगे, इसको फोर से देखेंगे, इसके मुकम्मल नोट्स बनाएंगे, तो आपको और किसी रिसोर्स की जरूरत ही पड़ेगी जो आपको चाहिए होगी उर्दू फोनिक्स बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। फर प अब जबर है, पर पर तर तर, पल जल जल, हर कर, अब यहाँ पे देखिए मीम का साउंड ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे जबर आएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, म म मर जड़ जड़। अच्छा अब आ गए हमारे पास वर्ड जेर वाले, ठीक है। अब क्या है, दाल जे दी दी उ दिल। अब बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, जब आप दिल बोलेंगे ना तो वो द ई उ कर देंगे, तो क्या डिफरेंस देना है हमने कि लॉन्ग साउंड आ रही है या शॉर्ट ऑफ साउंड आ रहा है, दी ले या दिल ले, समझ नहीं बात आपने, दी उ दिल दी, हमने कंपेयर करके डिफरेंस इनको बताना है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले आप शॉर्ट वोवल लॉन्ग वोवल्स करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इनको ये डिफरेंस हमने बताना है ना, यही डिफरेंस हमने बताना है। पहले इनको छोटे उनका छोटे अलिफ और छोटी और बड़ी के साथ दो हरफी तीन हरफी चार हरफी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो आगे तक आएगा। अब क्या मीम मिल, अब क्या मील नहीं वो लिखेंगे हमने यहाँ पर, आपने जब इमला भी ले रहे होंगे ना तो आपने कहना है मैंने आपको मिल कहा है, मील नहीं कहा, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, जिन बोला है जीन नहीं बोला मैं, बिल बोला है बील नहीं बोला। आपको पता है मैं जब इंग्लिश के भी डिक्टेशन बच्चों से ले रही होती हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग वोवल्स को
कंबाइन करके ले रही होती हूँ अगर मैं टेस्ट, तो मैं उसमें उनको बता रही होती हूँ कि अगर मैंने उन्हें फॉर एग्जाम्पल बोला है खिन, ठीक है इंग्लिश का बता रही हूँ, अगर मैंने उनको बोला है खिन तो मैं क्या बोलूंगी, मैंने आपको खिन बोला है कीन नहीं बोला, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं अलर्ट होता रहता है माइंड उनका, हाँ ठीक है यहाँ पर लॉन्ग नहीं है शॉर्ट पर बोला रहे, तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर यूज होगा। ठीक है आगे क्या, बिक बाजे बी, अब बीक नहीं है बिक, ठीक है जिस जीम्स ए जी, जिस जीस नहीं है जिस है, बच्चों को ये सब बताने आते हैं। अभी क्या हिस, हीस नहीं है जेड लगेगा इसके नीचे, हिस नहीं है सॉरी हीस नहीं है हिस है, इसी तरह से हम आगे आते हैं इस, ईस नहीं है इस है, इसी तरह से पिस, पीस नहीं है पिस है, ठीक है आगे आते हैं निब, नीब नहीं है निब है, आगे बढ़ते हैं भिर, ठीक है भीर नहीं है भिर है, आगे बढ़ते हैं इस, ईस नहीं है इस है, इन, ईन नहीं है इन है, दिन, दीन नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस है ना देखें, अगर हम दीन करेंगे अब लॉन्ग साउंड अगर आ जाएगा ई का तो क्या हो जाएगा दीन बन जाएगा रिलीजन, यहाँ पर क्या है शॉर्ट साउंड है जीर आ गया दे दिन बन गया, ठीक है तो डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं हम चले किस, कीस नहीं है किस है, गिन गीन नहीं है गिन है, गिर गीर नहीं है गिर है, मिलना जेर आ गया, अब बच्चे अब से मैं दो फिगर ही बता रही, तीन हूँ फिर चार हूँ फिर यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है उसमें भी अब देखें, अब बच्चों को आप जब मिलना बोलेंगे ना वो अम ई न आ मिलना लिख दो गलत हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर डिफरेंस बच्चों से इमला भी ले रहे हैं उनको बताए मिलना बोला है मिलना नहीं बोला, चले आगे आते हैं साबित, साबित दे रहा है यहाँ पर साबित, जाहिद मेरे फादर का नेम है जाहिद, अब इसमें क्या है नीचे जेर आ रहा है हे के नीचे, ठीक है चलिए आगे आते हैं हम। अच्छा अब आगे पेश वाले अल्फाज, ठीक है मतलब पहले हमने पढ़ा शॉर्ट आ का साउंड जबर, शॉर्ट ई का साउंड मतलब के जेर, अब हम पढ़े शॉर्ट ऊ का साउंड मतलब के पेश, बात समझ आ गई है, बच्चों को कंपेयर करके बताना है यहाँ पर शॉर्ट आ का साउंड आ रहा है यहाँ पर लॉन्ग आ का साउंड आ रहा है, यहाँ पर शॉर्ट ई का साउंड आ रहा है यहाँ पर लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है, यहाँ पर शॉर्ट ऊ का साउंड आ रहा है और यहाँ पर शॉर्ट ऊ का साउंड आ रहा है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हमजा पेश ऊ उड़ उड़, आगे हम आते हैं जो उड़ जुड़, अच्छा जीन के ऊपर पेश है जो उड़ जुड़, रे के ऊपर पेश है रुक रुक, अब क्या होगा अब आपने अगर डिफरेंस क्लियर किया होगा ना तो बच्चे कभी भी इसको इस तरह से रूप नहीं लिखेंगे, ठीक है इस तरह से रूप कभी भी नहीं लिखेंगे वो शोक रूप कैसे लिखना, ठीक है जबरदस्त पेश डालना अगर सिखाना चाहते हैं तो आप सिखा दें कि आप इस तरह से अगर साउंड ये वाला आ रहा है तो जबर डाल दें, ये वाला आ रहा है तो जेर डाल दें, ये वाला आ रहा है तो पेश आ रहा है, मतलब अ का साउंड आ रहा है तो आप जबर डाल दें, ई का साउंड आ रहा है जेर डाल दें हुड के नीचे जिसके साथ अपने आ रहा है, ठीक है और अगर ऊ का साउंड आ रहा है तो जैसे रुक है तो रुक के साथ ऊ का साउंड आ रहा है तो पेश डाल दें, टोटली अप टू सिखाना चाहते हैं सिखा दें, वरना आप बच्चों को कह दें कि अगर शॉर्ट साउंड आएगा तो हम नहीं लिखेंगे, समझ आई बात, मैंने अपनी बेटी को कैसे बताया अगर शॉर्ट साउंड आ रहा है नहीं लिखेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल वर्ड है मैं आगे आती हूँ नेक्स्ट किसी की एग्जाम्पल दे के आपको बताती हूँ, अच्छा फिर इसी के लिए देते फुर है फुर सॉरी ये फुर है पेश पर फुर फुर करके उड़ जाते हैं कबूतर, ठीक है इस तरह से अब मैं क्या कहती हूँ लिखें फुर, अब अगर वो लिखेंगे फुर, अच्छा वो क्या करेंगे सबसे पहले करेंगे फ का साउंड आ रहा है मामा, ठीक है फ हो गया, फिर वो कहेंगी अच्छा अब ऊ का साउंड आ रहा है मामा, तो मैं कहूंगी देखिए शॉर्ट साउंड आ रहा है लॉन्ग साउंड आ रहा है फुर आ रहा है फुर आ रहा है, ठीक है वो क्या कहती है वो कहती है शॉर्ट साउंड आ रहा है, तो फिर मैं कहती हूँ अब क्या करेंगे कहती है शॉर्ट साउंड आ रहा है नहीं लिखेंगे, नहीं लिखा हमने नेक्स्ट साउंड क्या आ रहा है फुर, हो गया क्लियर, चलिए अब हम आगे आते हैं तुम, ठीक है अब हुदहुद क्या है परिंदे का नाम, ठीक है हुदहुद, आगे बढ़ते हैं हम अब वो हुदहुद नहीं लिखेंगे हुदहुद लिखेंगे, दुम टेल को कहते हैं दुम, आगे बढ़ते हैं हम रुक,
अब वो रोक नहीं लिखेंगे, रोक लिखेंगे, शॉर्ट ऊ का साउंड लिखेंगे, लॉन्ग ऊ का साउंड नहीं लिखेंगे। आगे आते हैं कुल, कुल। अब क्या करेंगे, वो कूल नहीं लिखेंगे, शॉर्ट ऊ का साउंड लिखेंगे। ठीक है, आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, आपने वर्ड कह दिया, लिखे उठ, सबसे पहले आप पूछेंगे यहाँ पर, पहले आप देखें लॉन्ग साउंड आ रहा है शॉर्ट साउंड आ रहा है, उठ उठ, तो वो कहेंगे शॉर्ट साउंड आ रहा है, शॉर्ट साउंड आएगा मतलब जबर से पेस्ट में सब कुछ डालना है, शॉर्ट ऊ का साउंड आ रहा है मतलब पेस्ट डालना है। ठीक है, इट्स टू इजी, जितना आपके लिए समझना हो इजी उतने बच्चे के लिए स्मार्ट समझे, बच्चों को बच्चे सीख जाते हैं हमसे ज्यादा जल्दी सीखते हैं, आपको मुझे पता है। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मेरी क्लासेस में अक्सर ऐसे भी आ रही होती है, एक बच्ची है मेरे साथ, वो मैट्रिक कर चुकी है, उनकी उर्दू और इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग वीक है, वो थोड़ा सा टाइम लेती है सीखने में, लेकिन वही सेम टॉपिक अगर मैं किसी छोटी बच्ची को करवा रही हूँ 7 to 8 years की, तो वो जल्दी सीख जाते हैं। रीजन उसका क्या है, क्योंकि ये जो एज उनकी होती है ना छोटे बच्चों की, वो बिल्कुल यूँ समझे शार्प एज होती है, वो फौरन से चीज सीख जाते हैं, एज कम्पेयर टू जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमारी ब्रेन वर्किंग ना थोड़ी थोड़ी, अब बच्चे जो है तभी तो ज्यादा सीखते हैं, क्यों ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि उनका पहले ब्रेन बिल्कुल एम्प्टी होता है, ऐसा ऐसा फिलअप होना शुरू करता है, उनकी शार्पनेस सीखने की उतनी तेज होती है, जितनी जगह होती है उतनी स्पीड में चीज भरती है। ठीक है, अब बड़े होते जाएंगे जगह फिल होती जाएगी, और इसी तरह से चीजें भरने में टाइम लगेगा। ठीक है, टुक टुक, मूड नीम के ऊपर पेश, मूड नहीं लिखेंगे, मुड़े लिखेंगे, अब मुर्गी नहीं है, मुर्गी है, पेश है, का साउंड शॉर्ट का साउंड आ रहा है मतलब पेश आएगा। ठीक है, दाल के ऊपर पेश है, धूप धूप नहीं है, शॉर्ट का साउंड है, दुख है। अच्छा, अब इसी तरह से देखिए, चुप, शॉर्ट का साउंड है, लॉन्ग ऊ का साउंड है, चुप, चुप नहीं है, शॉर्ट ऊ का साउंड है, चुप है। ठीक है, पेश आएगा उफ, उफ होता है, अक्सर बच्चों की कॉपीज में आ रहा होता है, कहानी लिख रहे हैं तो उसमें उफ आ जाएगा, तो डिफरेंस पता होगा तो लिख लेंगे, वरना ऑनेस्टली बताऊं तो 6 to 7 grade के स्टूडेंट्स भी यही मिस्टेक करेंगे कि वो वाओ लिखते हैं, तो पहले से क्लियर करें सब कुछ, ऑनेस्टली पहले से क्लियर करें, पहले उसके बाद कुड़ कुड़ मुगी का होते हैं ना आवाज, कुड़ 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 कुड़, तो ये उसी तरह से कुड़ कुड़। अच्छा जी, चले ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि आप लोगों ने इमला कैसे करवाना है और रीडिंग कैसे करवानी है। ठीक है, रीडिंग करवाते हुए तो सिंपली आपने अगर देखें उनको कहना है कि या तो हम ऐसा करते हैं, देखें हम वो पढ़ रहे हैं, अगर वो इसे केड़-केड़ पढ़ेंगे तो उनको फील होगा कि गलत पढ़ रहे हैं, इसी तरह से अगर कड़-कड़ पढ़ेंगे तो भी कड़-कड़, वो डिपेंड करेगा ना सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो देखेंगे खिड़की कड़-कड़ कर रही है, मुर्गी कड़-कड़ कर रही है, अब देखिए मुर्गी कड़-कड़ नहीं कर सकती, कुड़-कुड़ कर सकती है, तो उनके माइंड में आ जाएगा कुड़-कुड़ आएगा, यहाँ पे पिकू का साउंड आएगा, इसी तरह से खिड़की कुड़कुड़ नहीं कर सकती, कड़कड़ कर सकती है, डिफरेंस आ जाता है, बच्चे खुद से देखेंगे कि अब वो छोटी है बड़ी है वाली बात आ गई है कि ई का साउंड आएगा या ए का साउंड आएगा, दोनों की आदि शक्ल एक जैसी होती है, इसी तरह से यहाँ पर भी, लेकिन अक्सर ना जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर ना जबर जे पेश उनकी बुक्स में ऑलमोस्ट डले हुए होते हैं, नहीं डले हुए तो थोड़े से स्टार्ट में आप हेल्प आउट कर दें, आप डाल के दे दें, आगे जाकर उनको खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब ये तो हो गया रीडिंग करते हुए, रीडिंग करते हुए अब इमला की बारे में आपने क्या करना है। अच्छा, रीडिंग करते हुए एक काम लाजमी करें, एक काम लाजमी करें, क्या काम करना है, जब भी रीडिंग करवा रहे हैं आप, ये शॉर्ट और लॉन्ग वोवल्स मतलब लॉन्ग करवा ली आपने, अब आप शॉर्ट पे आ गए, शॉर्ट की रीडिंग पहले करवाएंगे, रीडिंग कैसे करवाएंगे, आपने ये भी लिख के दिया ऊपर पेस्ट डाल के, और साथ में इसके दुख भी लिख के दिया। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग में ही आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है लॉन्ग वो शॉर्ट वोवल साउंड्स। ठीक है, यहाँ पर ही आपने पूछ लेना है कि मुझे बताएं लॉन्ग साउंड कौन सा है, शॉर्ट साउंड कौन सा है, लॉन्ग साउंड आएगा तो क्या आएगा, क्या आ रहा है, आपको क्या दिख रहा है, शॉर्ट साउंड आ रहा है तो क्या दिख रहा है, जब उनका रीडिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो जब राइटिंग पे आएंगे तो राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। अब ये तो हो गया रीडिंग, रीडिंग आपने इस तरह से करवा ली, राइटिंग पे आते हैं, राइटिंग पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जेर जबर पेश का डिफरेंस उन्हें पता हो, उ में पेश आएगा, ई में जेर आएगा, अ में जबर आएगा, आपने सिंपली क्या किया, आपने अब एक ऐसे लफ्ज लिख के दिए जिसमें सीन, ये देखें अलिफ सीन, आपने 3 अलिफ सीन लिख दिए, एक सेकंड में जगह कर लूँ जरा, चले यहाँ पर भी आपने अलिफ सीन लिख लिया, यहाँ पर भी अलिफ सीन लिख लिया, लॉजिक बन रही है नहीं बन रही कोई बात नहीं, वर्ड की लॉजिक बन रही है नहीं, हमने कॉन्सेप्ट साउंड्स का क्लियर करना है, अल्फाज मायने नहीं हम करवा रहे हैं कि जिसमें हमें मायने बताना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अलिफ सीन अलिफ सीन अलिफ सीन आपने लिख के दिया है, आपने उन्हें कहना है पहले वाले में करें, पहले वाले को बनाए उस, अब वो देखिए ऊ का साउंड आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, ऊ का साउंड अलिफ के साथ, तो अलिफ के ऊपर पेश आ गया, अब आप बोलिए पहले दूसरे वाले को बनाए इस, ई ई का साउंड आ रहा है, ई मतलब जेर का शॉर्ट ई का साउंड होता है,
जेड लगा दिया इसी तरह से अस, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं दिन का बनाए इस तरह से, दिन, एक सेकंड, ने मुझे इस तरह से आपने दिन लिख लिया, तीन थी, ठीक है। आप क्या करना, आपने बोला, आप बोले पहले वाले को आप बनाए दन, दन। अब हम देखेंगे द अ का साउंड आ रहा है, शॉर्ट अ का साउंड आ रहा है, दन है, दान नहीं है। अ का साउंड किसके साथ आ रहा है, द के साथ आ रहा है, तो दाल के ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। अब आपने बोला दिन बनाए दूसरे वाले को, तो अब वो देखेंगे द ई, ई का साउंड आ रहा है, मतलब शॉर्ट ई का साउंड है तो जेर है, तो उन्होंने जेर डालना है, और द के साथ आ रहा है तो दाल के नीचे, इसी तरह से दुन में। अब देखें दुन का पता नहीं कोई मीनिंग मेरे ख्याल में तो नहीं है, ठीक है, दिन का है, दन का भी नहीं है मेरे ख्याल में तो। तो अब हम माइ मकसद क्या है कि बच्चों को हम सिखा रहे हैं साउंड की अवेयरनेस दे रहे हैं, ठीक है, अल्फाज मैंने नहीं करवा रहे जिसमें हमें उनको मीनिंग बताना जरूरी होगा, ठीक है। इस तरह से आपने करवा लिया सबसे पहले, दूसरे नंबर पे आपने क्या करवाना है, अब आपने उस करवा लिया, मतलब इस तरह से जेर जबर पेश के साथ आपने कॉन्सेप्ट आ उ ई का क्लियर कर दिया, साउंड शॉर्ट आपने क्लियर कर दिए, कौन सा अ का साउंड है, कौन सा ई का साउंड है, कौन सा ए का साउंड है, कैसे पता चलेगा, सब क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं आगे इमला, अब आपने मिक्सअप करके इमला लेना है। इस तरह से सबसे पहले आप बोलेंगे, लिखिए आप यहाँ पर रूस, रूस। अब क्या है वो देखेंगे कौन सा साउंड आ रहा है, लॉन्ग ऊ का साउंड आ रहा है, एक सेकंड हमने क्लियर कर दी है। अब वो क्या देखेंगे, रूस, लॉन्ग ऊ का साउंड आ रहा है, रूस, लॉन्ग ऊ का साउंड आ रहा है, तो वो वाउ लिखेंगी। अब आप उनको बोलेंगे अगर रूस तो शॉर्ट ऊ का साउंड आ रहा है तो पेश लिख लेंगे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही आपने रूस के फौरन बाद रूस करवा ले रहे हैं, तो उनको ऑब्वियसली बताओगा पहले वाव आया था तो अब शॉर्ट साउंड आ जाएगा, मिक्सअप करके करवाए। जैसे पहले आपने करवा लिया जोड़, फिर आपने करवा लिया मिल, ठीक है, जोड़ करवा लिया, एक लॉन्ग ऊ का साउंड आ गया, अब करवा लिया मिल, मिल, अब शॉर्ट ई का साउंड आ गया, ठीक है। मिक्सअप करवा के जितना इमला लेंगे उतने बच्चे मास्टर हो जाएंगे, ठीक है, इमला लें ज्यादा से ज्यादा, और इस तरह से करवाएं बेहतरीन हो जाएगा सब कुछ, बेहतरीन हो जाएगा। चलें जी, आज तक की तो यही क्लास थी, लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, देखिए बहुत मेहनत मैं कर रही हूँ, ऑनेस्टली बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज एक फेवर मुझे ये दें, क्योंकि अपने टाइम के साथ टाइम निकाल के और फिर रिकॉर्ड करके अपलोड करना सब कुछ बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। रही बात पेड पार्टिसिपेंट्स की, तो उनके साथ मेरी जूम की भी क्लास होती है, जरूरी नहीं है उनको मैं इस तरह से यूट्यूब पे अपलोड करके दूँ, उनके साथ जूम पे भी मैं उनको सब कुछ करवा लेती हूँ, फ्री में अपलोड हो रही है स्पेशली आप लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा अवेल करें, ऑनेस्टली इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हर चीज कहीं पे भी नहीं मिलेगी, कहीं मिल रही है तो प्लीज उसको एक तो हौसला अफजाई करें ज्यादा से ज्यादा, ऑनेस्टली जितनी ज्यादा व्यूज होंगे, जितनी ज्यादा हौसला अफजाई की जाएगी उतनी ज्यादा वीडियोज अपलोड होंगी। और ऑनेस्ट अभी आपको पता है मैंने लाइनअप पे रखे मेरे कोर्सेस, ये उर्दू फोनिक्स का कोर्स कम्प्लीट होगा तो एक और मैंने स्टार्ट करवाना है, वो कम्प्लीट होगा उसके बाद एक और करवाना है, और ये सब मोस्ट डिमांडेड कोर्स है, जो पेड कोर्स आपको मिलते हैं, फ्री कोर्स पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, तो अगर मिल रहे हैं तो प्लीज अवेल करें और ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अवेल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।